हेलो फ्रेंड, तो आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के आरओ का चैप्टर 3 अप्पू के 2.5 साल। ठीक है, इस चैप्टर के जो लेखक हैं सत्यजी राय, उनकी पहली फिल्म थी वो पथेर पांचाली, वो 2.5 वर्ष में पूरी हुई। उस समय लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब वह शूटिंग करता था। उस समय लेखक के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद शूटिंग को स्थगित करनी पड़ रही। शूटिंग के कलाकारों की खोज अनिवार्य थी अब, क्योंकि बाद में जब उन्हें शूटिंग की तो उन्हीं कलाकारों को ढूंढना था। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने वाले 6 वर्षीय लड़का नहीं मिल रहा था। अखबार में विज्ञापन देने के बाद कई लड़के आए इंटरव्यू के लिए आए। एक बार तो एक पिता अपनी बेटी के बाल कटवाकर लड़का बनाकर भी ले आए थे। जब लेखक अप्पू की भूमिका निभाने वाले 6 वर्षीय लड़के को नहीं ढूंढ पा रहा था, तब अचानक उसकी पत्नी ने बगल में रहने वाले लड़के की तरफ उसका ध्यान दिलाया। अंत में सुवीर बनर्जी ने पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाई। लेखक को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि फिल्म बनाने में 2.5 साल लग जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, लेखक को डर लगने लगा कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे यदि अधिक बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, साफ पता चल जाएगा। शूटिंग की शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पलासर नाम के गांव में गए। वहां रेल लाइन के पास घास फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग करनी थी। इस सीन में 2 दिन लग सकते थे। सुबह से शाम तक आधा भाग चित्रित किया गया। बाकी सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर घर पहुंचे। 7 दिनों के बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए तो वहां उस जगह की पहचान नहीं हो पा रही थी। जानवरों ने सारे घास फूल खा डाले थे। उसे उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग अगले वर्ष शरद ऋतु में, जब वह मैदान फिर से घास फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी का भी शॉट्स लिए जाने थे। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों की शूटिंग के लिए प्रयोग किया गया। रेलगाड़ी से स्टेशन निकलते ही अनिल बाबू इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि रेलगाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते आते बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। बॉयलर एक ऐसी जगह होती जो केबिन के पीछे होती है, उसमें कोयला डालना पड़ता था, क्योंकि काला धुआं निकले। सफ़ेद घास फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो वह दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई जा रहा था तब दर्शक पहचान नहीं पाते थे कि इस फिल्म में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया है। पथेर पांचाली फिल्म में एक भूलू नाम का कुत्ता भी दिखाया गया है। इसी कुत्ते को लेकर लेखक एक उदाहरण देता है कि अप्पू की सर्वज्ञा जो अप्पू के बचे हुए चावल होते हैं वो पके पकाए उनको गमले में डाल देती है। उस भात को भूलो कुत्ता किस प्रकार खाता है, इस तरह का एक सीन लिया जाना था। पर सूरज डूब गया था और लेखक के पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। 6 महीने के पश्चात पैसे इकट्ठे करके बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित किया गया। वहां जाने पर पता चला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। भूलो से मिलता जुलता एक कुत्ता और ढूंढा गया, उसे प्रतिष्ठित करके भात खिलाते हुए सीन दिया गया। उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते देखते यह बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में भूलो की भूमिका निभाने वाले 2 अलग अलग कुत्ते हैं। सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं बल्कि आदमी के संदर्भ में भी समस्या आती है पथेर पांचाली फिल्म में शूटिंग के दौरान। इस फिल्म के दौरान लेखक को आर्थिक अभाव से गुजरना पड़ा। हॉलीवुड के सिखाए कुत्ते फिल्म में लेना बहुत महंगा पड़ता था। वे साधारण कुत्ते सिक्के द्वारा शॉट्स करवाने में सफल हो गए। पैसों की कमी के कारण ही वर्षा के दृश्य चित्रित करने में कठिनाई हुई थी। बरसात के दिन आए मगर पैसे नहीं थे, शूटिंग बंद करनी पड़ी। जब पैसे एकत्रित हुए तो अक्टूबर का महीना था, परंतु आशा फिर भी बनी हुई थी शायद बरसात हो जाए। आखिर एक दिन ऐसा हुआ, शरद ऋतु में घमासान वर्षा बादल छा गए। धुआंधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा का शॉट पूरा होगा।
शॉट अप्पू और दुर्गा का बारिश में भींगने का शॉट था, सीन था। शरद ऋतु में बरसात में भीगकर दोनों ठंड के मारे सिहर उठे। उन्हें दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई और उनका शरीर गर्म किया गया। बोडाल गांव में बहुत बार जाकर रहना पड़ा, अतः वहां के लोग सिनेमा वालों का परिचय हो गया था। वहां एक वृद्ध सज्जन से परिचय हुआ, जिन्हें सुबोधदा कहकर पुकारने लगे। प्रारंभ में उन्हें फिल्म वालों का गांव में आना अच्छा नहीं लगता था। वे जोर जोर से चिल्लाते थे, फिल्म वाले आ गए, मारो उनको लाठी से। पूछने पर मालूम हुआ कि वह मानसिक रोगी है। बाद में सुबोधदा उन्हीं फिल्म वालों को बुला बुलाकर रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान के अनेक किस्से सुनाते थे। उनके अनुसार ये सभी पाजी उनके दुश्मन। गांव में लेखक के घर के पास एक धोबी उन्हें बहुत परेशान करता था। वह भी पागल सा था, कभी कभी लंबे लंबे भाषण देने लगता था तो कभी कभी जोर जोर से बोलने लगता था, जिससे साउंड जो रिकॉर्डिंग का साउंड होता है वह प्रभावित होता था। परंतु धोबी के रिश्तेदारों ने लेखक की मदद की। पथेर पांचाली फिल्म की सी जिस घर में शूटिंग हो रही थी वह एकदम टूटा फूटा ध्वस्त घर था। उसका मालिक कलकत्ता में रहता था। उस घर की मरम्मत करवा कर शूटिंग के लिए उसे ठीक ठाक करवाया गया। उस घर के एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। शूटिंग के समय उनकी आवाज़ सुन सकते थे पर देख नहीं सकते थे। एक दिन शॉट के बाद लेखक ने साउंड के बारे में भूपेन बाबू से सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस बार भी जवाब नहीं आने पर लेखक ने उनके कमरे में गया तो देखा कि बड़ा सा सांप उनकी कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। वह सांप मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण लेखक उस सांप को ना मार सका। वह वास्तुसर्प था। वास्तुसर्प वो होता है जो किसी घर में दिखाई जाने वाला बार बार दिखने वाला सांप होता है, या फिर एक प्रकार से पालतू सांप माना जाता है, और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। अब हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम थोड़ी देखते हैं। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए, उनकी सूची बनाइए। देखिए, पहली समस्या जो हमारी है वह है धन की समस्या, कि लेखक के पास और फिल्म बना रहे थे उनके पास धन की कमी थी, और लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करता था उसके पास समय की कमी थी। कलाकार ढूंढने की समस्या थी, स्थान निर्धारित करना एक समस्या थी, साधनों की समस्या थी, वातावरण की भी समस्या थी, पत्रों के अस्वस्थ होने की समस्या, रहने के स्थान में पड़ोसियों का स्वभाव, क्योंकि जो आपने देखा है कि इस कहानी में वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, उनका एक धोबी पड़ोसी, वो कभी कभी जोर जोर से भाषण देने लगता था, तो इस तरह के वातावरण की भी समस्या थी, आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्मकार को सामना करना पड़ा। जैसे ही एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, कि जो इस पठित पाठ में के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला के माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यवसायिक माध्यम के रूप में नहीं? तो हम इसका जवाब कुछ इस प्रकार देंगे कि यदि सत्यजीत राय एक व्यवसायिक माध्यम के रूप में फिल्मों को देखते तो फिल्म के प्रारंभ में ही वे अर्थाभाव से ना जूझते, ना ही इतनी मुसीबतों को झेलते, जैसे शरद ऋतु में वर्षा का दृश्य कल्पना मुश्किल हो गया था, बॉलीवुड का प्रतिष्ठित कुत्ता ना ले पाना, कितनी बार आधे सीन की ही शूटिंग करना आदि। सत्यजीत राय के लिए प्रसिद्ध है कि वे कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। इतनी साधनहीनता के बीच भी वे अपनी कला दृष्टि को साकार करने का हर संभव संघर्ष करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सत्यजीत राय कला माध्यम के रूप में देखते हैं, ना कि एक व्यावसायिक माध्यम के रूप में। कई सारे लोग इस तरह की कमेंट कर रहे हैं कि हम लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं देते।
तो फ्रेंड्स आपको चिंता नहीं करनी है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पूरे आरओ के चैप्टर के जो लेखक हैं उनकी पूरी डिटेल उस चैप्टर में दे दूंगा। हो सकेगा तो उसमें उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा उनको याद करने की, राइटर नेम, क्योंकि 11th क्लास में राइटर्स के नेम आते हैं। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये सब करें ना करें पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।